के न्यू यूट्यूब चैनल निकू चौधरी रिएक्शन में हूँ नताशा। एक एनर्जी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो, क्योंकि अभी मैंने खाई है 5 स्टार। वाह 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 वाह, एनर्जी आ गई 5 स्टार खा के। हाँ जी, तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पर नेहा, आशीष तिवारी, सचिन, मनीषा तो बेचारी अभी साइड में है, मनीषा के बारे में बात नहीं करेंगे। प्लस इन सब चीजों में एक और कैरेक्टर बीच में आया है, उसके बारे में बात करेंगे। आखिरकार कौन है ये कैरेक्टर? हंसी मजाक की बात नहीं है, थोड़े ऐसे ही शुरू कर रही थी क्योंकि मूड ज्यादा मेरा खराब हो जाता है कुछ वीडियोस को देखकर। सबसे पहले बात करेंगे सचिन की कम्युनिटी की। भाई साहब क्या फनी जोक मारते हो आप, हैं हंस पड़ी मैं, ही ही ही। तो सचिन भैया ने कम्युनिटी डाली है, आप सब हमें जिस रूप में भी स्वीकार करते हैं हम आपको बोलने का मौका जरूर देंगे, कमेंट सेक्शन ऑफ करके। कल आपने कमेंट सेक्शन ऑफ किए थे ना, चलो कोई बात नहीं, ऐसा कभी नहीं करते कि कमेंट हटा दे, इसलिए हमारे ब्लॉग पर 50 या 100 कमेंट नहीं होते। जिसके ब्लॉग पर होते हैं उसका मतलब कमेंट हटा दिए। हम दिलेरी से सामना करते हैं, पीठ पीछे षड्यंत्र नहीं रचते और ना ही मुंह में राम बगल में छुरी, जैसा है सामने है, नकाब नहीं है कोई भी। वैसे तो यहाँ पर सचिन भैया ने पूरी कोशिश की है सरिता जेठू जी पर ये निशाना साधने की, जो कि आपको पता ही चल गया होगा कि सचिन भैया वैसे तो बहुत नेगेटिविटी पढ़वाते हैं। जब पहले कॉन्ट्रोवर्सी इनकी हुई थी, इतनी नेगेटिविटी पढ़वाई थी, इनके बच्चों तक पर बात आ गई थी, लेकिन सचिन भैया ने एक बार ये नहीं कहा कि किसी के बच्चों पर मत जाओ, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पढ़वाई थी। तो अब सचिन भैया को ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि आखिरकार नेगेटिविटी क्यों नहीं बढ़ रही है, आखिरकार इतने कम कमेंट क्यों हैं। तो सचिन भैया को पता चला कमेंट डिलीट किए जा रहे हैं, तो उसके लिए भैया जी ने एक कम्युनिटी छाप दी, कोई बात नहीं। लेकिन ये कम्युनिटी कहीं जाकर किसी और को भी लग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं आप नेहा को टोंट मार रहे हो, हैं सच्ची सच्ची बता दो। क्योंकि देखिए हेट कमेंट तो वो भी डिलीट करती है, उसने खुद कहा कि मैं नहीं रखती अपने चैनल पर नेगेटिविटी, मुझे नहीं पसंद है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने खुद की वीडियो में ये कहा कि मैंने लोगों से भी जहां पर मुझे लग रहा था कि हेट कमेंट्स आ रहे हैं वहां पर भी मैंने उनको डिलीट करवाने के लिए कहा था, लेकिन वो उन्होंने डिलीट नहीं की। आपने वीडियो देखी होगी ना परसों वाली, तो कहीं ऐसा तो नहीं है आप ये उड़ते तीर किसी और को दे रहे हो। और जब आपको इतना ही कम डर था तो भैया आपने फिर कमेंट सेक्शन ऑफ क्यों किए थे? देखिए दोगली बात मत करिए, जहां आप सही होंगे आपके साथ में खड़े होंगे, लेकिन यहां आप गलत हैं। पब्लिक को भी पता चल रहा है, आपको सपोर्टर को भी पता चल गया है कि इस मामले में तो आप गलत है जो चीजें अब हो रही है। एक तीसरे आदमी का कुछ लिया दिया नहीं, भैया तुम गए नेहा के यहां पर, नेहा जो है बिजी थी, तुम्हें ज्वाइन नहीं कर पाई है, ये कहें कि भाई वो उनका एक स्पेशल डे था उसमें बिजी थे, परिवार वाले बिजी थे, तुम्हें अटेंशन नहीं दे पाए, तुम नाराज होके घर आ गए, तुमने रो धो के वीडियो डाल दी, लोगों को पता चल गया, लोगों ने नेहा को नेगेटिविटी देनी शुरू कर दी और वो इतनी ज्यादा बढ़ गई। जब ज्यादा बढ़ गई तुमने कहा कि अब हो गया मेरा काम, अब मैं आके धर्मात्मा बनता हूँ, आपने आके वीडियो डाली, उसके बाद में आपने ठीकरा दूसरे पर फोड़ने की कोशिश की, तो इसमें तीसरा बंदा आया कहाँ से? आप जो बोल रहे हो कि पीछे पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं, तो भाई षड्यंत्र जो है ना वो बहुत बड़ा शब्द हो जाता है। यहाँ पे जो चीज आई है ना, क्लियरली ये चीज दिखाई दे रही है कि जो आप रोए थे उसकी वजह से नेहा को नेगेटिविटी पड़ी है, ना कि किसी की साजिश की वजह से। जब आपको ये एहसास हो गया था साजिश हो रही है कि ये चीजें हो रही है कि वो तो वहां गया था निकाल दिया, आप तभी आकर आपने सफाई क्यों नहीं दी? आपने 2-3 दिन क्यों लगाए? एक कम्युनिटी छाप देते, अरे कुछ तो बोलते, लेकिन आपने नहीं बोला। फिर आप नाम दे रहे हो षड्यंत्र किसी और का किया होता, ना 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 बाबा, षड्यंत्र किसी का नहीं था, आपका रोना जो था ना वो लोगों को इमोशनल कर गया, वो चीजें हुई। लेकिन जब आपने कल की वीडियो डाली अपनी, तो लोगों को पता चला अरे भैया हम तो क्या समझे थे, ये तो क्या निकले। अब जब आपको हेट पढ़ना शुरू करा, जब लोगों ने आपको बताना शुरू करा कि भाई तुम गलत हो,
तो आपने अपने चैनल्स का कमेंट ही ऑफ कर दिया। अब भले ही आप कुछ भी बोलो, अभी भी आपने जो लाइव की है उसके नीचे भी आपको लोग एडवाइस दे रहे हैं, भाई अपने काम पे ध्यान दे ले। लेकिन ये सचिन हैं, इनको काम के अलावा प्रपंची करने में बड़ा मजा आता है। मुझे तो अब तक ये समझ में नहीं आया कि ये कंट्रोवर्सी हुई क्यों। आप उस वक्त कहाँ थे जब आपका नाम आप ही की बहन के साथ में गलत तरीके से जोड़ा जा रहा था? ये स्टेप, ये चीजें तब क्यों स्टैंड नहीं ली? एक वीडियो बना के वो चीज खत्म कर दी गई, लोग बोलते रहे, उल्टा सीधा इतना ज्यादा हेट पड़ा, आप क्यों चुप थे? क्यों आपने उनके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लिया? अगर आप इतने ही महान हैं, वो चीजें क्यों आप भूल गए? उस वक्त में आपके मुंह पे ताले पड़ गए थे, सबके मुंह पे ताले पड़ गए थे, किसी ने आके कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब सबको जवाब देना है, क्योंकि नेहा की वीडियोस को लोग पसंद कर रहे थे, नेहा की न्यू लाइफ को लोग पसंद कर रहे थे। वो जो टाइम था ना, नेहा को जब इतने हाइप मिल रही थी, वो आपसे बर्दाश्त नहीं हुई है। मैं ये नहीं कहूंगी जलन हुई है कुछ भी, आपको लगा कि ओहो मैं तो पीछे रह गया, मैं तो अब तक लोगों को ये कहता था कि मैंने सपोर्ट किया है, मैंने इसको किया है, वो किया है, लेकिन ये तो मेरे से आगे निकल गए, ऐसा कैसे? तो आपने प्रपंची शुरू कर दी। दो एक दिन नहीं हुआ था उस लड़की की एंगेजमेंट को, एक दिन लोग कितने खुश थे, ये चीज फील की है हमने, देखी है वीडियोस में कि लोग खुश ही थे उस चीज पर, बहुत खुश थे। लेकिन जैसे ही आपकी वो वीडियो आती है, सब कुछ पलट जाता है, वो सारा प्यार वो हेट में बदल जाता है, वो सारे आशीर्वाद जो उसको मिल रहे हैं सब कुछ बद्दुआओं में बदल जाता है। उसके बीच में जब आपको पता चल गया कि ओहो ये तो चीजें उल्टी पड़ गई भाई, आपने ठीक रहा, फिर से दूसरों पे फोड़ना शुरू कर दिया। वो लोग फ्रेम में थे ही नहीं, उनको तो आप घसीट रहे हो। कभी कुछ इल्जाम लगाना, कभी कुछ इल्जाम लगाना, पोक करना और कहना पीछे से षड्यंत्र हो रहे। भाई षड्यंत्र अगर हो रहे हैं, आपके पास सबूत है तो दिखाओ ना। आप उस वक्त भी लीगल क्यों नहीं गए जब आपने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया था कि हमारी तो जो ये चीजें हैं उनका फायदा कोई और उठाना चाह रहा है? जब कहां गई थी आपकी इंसानियत, जब कहां गया था रिश्ता? अगर आपकी सगी बहन के साथ में ये चीजें की जाती तो क्या आपको बर्दाश्त होती? खैर वो तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपके हिसाब से तो आप उनको भी सगी बहन मानते हो। लेकिन इतना जरूर है, अगर आपकी जगह नेहा का सगा भाई होता ना, जो उसके साथ में बराबर में खड़ा हुआ है, जिस तरीके से उस बंदे ने परसों जवाब दिया है ना, वो होते हैं भाई, वो हैं असली भाई। आपकी कमी रही है इस रिश्ते को निभाने के लिए, पीछे पीछे आपने जितने भी निभाए हो, सोशल मीडिया पर आपकी कमी दिखती है। हम ये नहीं कहेंगे नेहा परफेक्ट थी इस रिश्ते में या कुछ भी है, लेकिन आप भी नहीं थे जितना आप दिखाने की कोशिश करते हो। हमारा रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। भैया लोगों को फर्क नहीं पड़ता रिश्ता टूटने या पड़ने से, क्या पब्लिक को कुछ फर्क पड़ेगा आपका रिश्ता टूटने या जुड़ने से? पब्लिक आपको क्यों बोल रही है इस रिश्ते को खत्म करने के? क्योंकि आपने कुछ ये चीजें दिखाई है पब्लिक को कि भाई इनके वजह से ये चीजें को प्रॉब्लम हो रही है। आप ना वो दिखाते ना लोग पब्लिक बोलती आपको, तो थोड़ा रुक जाओ भाई। इतनी भी कॉन्ट्रोवर्सी हर चीज में सही नहीं होती। ज्यादा हाय 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 ये कहा जाता है कि ज्यादा हाय हाय भी नुकसान दे जाती है इंसान को। क्या आपके पास कॉन्टेंट नहीं बचा है? आपने या फिर टारगेट बना ली कि दिन की 3-4 वीडियो डालनी है, कुछ नहीं मिला तो कॉन्ट्रोवर्सी करनी है? तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नहीं, एक चीज और रह गई, हम बात करते हैं यहाँ पे। एक्चुअली वीडियो बड़ी हो जाएगी, अब मैंने बोल दिया था तो बात करनी पड़ेगी, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।